हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार, आज आप सबके बीच जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का लेक्चर वन जो था हमारा, आज हम लोग लेक्चर टू कवर करेंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे अच्छे से, और भी जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाया था और दूसरे सब्जेक्ट्स में आप उसको भी कवर कर रहे होंगे, जो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉपिक था। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, समझें। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप बेशक मेरे से पूछें। तो बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक बार डाल देता हूँ इसे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, थोड़ा हमने बेसिक स्टडी किया था, ठीक है। जो हमारा जहाँ पे टॉपिक जो एंड हुआ था वो हमारा था हिस्ट्री ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में। आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको, जो हमारा लेक्चर टू रहेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, मतलब क्रॉप फिजियोलॉजी का एक इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने क्या अपना थ्योरी दिया क्रॉप फिजियोलॉजी के रेस्पेक्ट में, उसको हम लोग देखते हैं। 1771 में जोसेफ प्रीस्टली ने एक मतलब स्टडी किया, उन्होंने बताया कि प्लांट्स कुड रीजनरेट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में ये जो प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजन को रीजनरेट करते हैं, ठीक है। ये किसने कंसेप्ट दिया था, जोसेफ प्रीस्टली ने। 1779 में इंडियन हाउस ने क्या स्टडी किया था, स्टडीड द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको किसने स्टडी किया था, इंडियन हाउस ने किया था। ओके, डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस 17th सेंचुरी, ठीक है। इस बीच में फोटोसिंथेसिस का डिस्कवरी हुआ, क्या उस कौन साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया, क्या उन्होंने स्टडी किया इस पर, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स बाय साइंटिस्ट लाइक जैन बैप्टिस्ट, वैन हेलमोंट एंड जोसेफ प्रीस्टली कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये जो सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, जॉन बैप्टिस्ट, वैन हेलमोंट एंड जोसेफ प्रीस्टली ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया किस चीज़ के बारे में, प्लांट रेस्पिरेशन और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। उन्होंने दिया कि प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन को क्या, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये किसने स्टडी किया था, जैन बैप्टिस्ट, वैन हेलमोंट, ओके, एंड दूसरा जोसेफ प्रीस्टली ने। आगे इसमें क्या है, अगला पॉइंट क्या है, जैन इंडियन हाउस डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द प्लांट्स अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये जो जैन इंडियन हाउस है, उन्होंने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कवर किया था और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे इसमें क्या है, इमरजेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी 19th सेंचुरी में, और इसका क्या इमरजेंस हुआ प्लांट फिजियोलॉजी का, ठीक है। 19th सेंचुरी बोले तो 1900 के बाद, 1900 के बाद, ओके। 19th सेंचुरी सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन। 19th सेंचुरी में ये जो प्लांट फिजियोलॉजी में और इवोल्यूशन हुआ, और ये जो क्रॉप फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट और इसका इसमें और भी मतलब इसमें और कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट ने किया, तो और इस सब्जेक्ट के बारे में और क्लियरिटी होती गया, ठीक है। जूलियस बॉन सैक्स ऑफ एन सैक्स जो है, जो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या जेवी सैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जूलियस बॉन सैक्स ऑफ एन कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न प्लांट फिजियोलॉजी, ये जो मॉडर्न प्लांट फिजियोलॉजी के फादर अगर हम लोग बोले फाउंडर कौन है, तो जेवी सैक्स हैं, ठीक है। कंडक्टेड एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, और इन्होंने ही प्लांट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ग्रोथ के बारे में किसने रिसर्च किया था, जेवी सैक्स ने किया था, ठीक है। स्टीवन हेल्स पायनर्ड द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स इन प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीवन हेल्स ने क्या किया था, क्वांटिटेटिव मेथड्स का क्या कैसे यूज करें हम प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है, उसका किसने सबसे पहले यूज किया था, स्टीवन हेल्स ने किया था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, उसमें क्या दिया हुआ है, माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर में क्रॉप फिजियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्या आवश्यकता है, वही चीज इसमें दिया हुआ है। तो एज यू कैन सी हियर क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिटरमाइंस प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप फिजियोलॉजी में एग्रीकल्चर का पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्या क्यों, क्या महत्व है,
जब मतलब जो हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जब स्टडी करेंगे तो उससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसमें कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं टाइम अदर अदर स्टेजेस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, उस पर्टिकुलर जब हम प्लांट को ग्रो करा रहे हैं प्रॉपर उसमें हम एक्टिविटीज़ न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट का अपटेक हो रहा है, वाटर दे रहे हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा उसमें हम डिटरमाइन करेंगे टाइम टाइम पे उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं और हमें लास्ट में उससे क्या प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। ये हमें पढ़ने की क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ने का एक सबसे पहला ये एक महत्व है। दूसरा क्या है, द स्टडी ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इज इंपॉर्टेंस टू रेगुलेट द प्लांट्स डिजीज एंड अदर फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज। क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ने के क्या और महत्व है, हम ताकि पता कर सके प्लांट्स डिजीज के बारे में, ठीक है, और भी जो भी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज प्लांट्स में होते हैं उसको स्टडी करने के लिए हमें क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ फूड। अगर क्रॉप फिजियोलॉजी को हम सही से पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्रॉप प्रोडक्शन में क्या और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है और फूड के क्वालिटी में क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, इस क्रॉप फिजियोलॉजी को पढ़ के हम अपने एग्रीकल्चर के क्वालिटी को प्रोडक्शन को उसको हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है हमारा, ये वही इम्पोर्टेंस ऑफ आपका क्या है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर का ये फर्दर कंटिन्यूड पार्ट है, थोड़ा सा ये मतलब वेल एक्सप्लेन्ड है और ज़्यादा ये एक्सप्लेनेशन किया गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर, ये ऑप्टिमाइजिंग क्रॉप ग्रोथ कंडीशन जो हमने पहले तीन पॉइंट पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। क्रॉप फिजियोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम क्रॉप के ग्रोथ कंडीशंस को हम सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके, सही तरीके से एनालाइज कर सके, ठीक है, सही तरीके से हम उसको पता कर सके, स्टडी कर सके। वही लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ क्रॉप्स अलाउज फार्मर्स टू क्रिएट ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस। अगर हम सही तरीके से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में हम समझ रहे हैं, जान जाते हैं, तो क्या होगा फार्मर्स उसके ग्रोथ कंडीशंस के बारे में सही से एनालाइज कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल का जो न्यूट्रिएंट्स का जो अपटेक होता है, अगर उस प्रोसेस को हम सही तरीके से समझ जाते हैं तो किसान को जो ग्रोथ कंडीशंस होता है वो उसको अच्छे तरीके से वो क्या मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट एंड टेम्परेचर विच आर क्रिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप डेवलपमेंट। मतलब इस कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, अगर हम सही तरीके से वाटर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, लाइट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये सब क्या होगा हमारे क्रॉप के डेवलपमेंट में अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ये सही तरीके से इनका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो क्या होगा वहाँ पे क्या उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्रॉप के डेवलपमेंट पे। आगे क्या पॉइंट है, इन्हेंसिंग क्रॉप यील्ड। हम अगर क्रॉप फिजियोलॉजी को सही तरीके से स्टडी कर रहे हैं, अगर ये मैनेजमेंट हम सही तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स का, टेम्परेचर का, तो क्या होगा हम क्रॉप के यील्ड को क्या अच्छा कर सकते हैं, क्रॉप के यील्ड में इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, माय डियर स्टूडेंट्स, एफिशिएंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगर हम क्रॉप फिजियोलॉजी को सही तरीके क्रॉप फिजियोलॉजी में सही तरीके से हम प्रोसेस को हम कर रहे हैं तो क्या होगा हम न्यूट्रिएंट का सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं जो भी हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी एड्स इन एफिशिएंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब क्रॉप फिजियोलॉजी से हमें क्या न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कितना अच्छा से हम करें उसके बारे में हमें इसमें क्या नॉलेज मिलता है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रॉप्स टेक अप ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स, फार्मर्स कैन अप्लाई फर्टिलाइजर्स मोर इफेक्टिवली मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर हम अच्छे तरीके से क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में समझ जाते हैं तो क्या उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या इंटरनल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमारे क्रॉप कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, फिर कैसे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं, अगर इन प्रोसेस को सही तरीके से हम समझ जाते हैं तो हम क्या किसानों को सही तरीके से बता सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स को कैसे कितने क्वांटिटी में सही तरीके से यूटिलाइज करें और जिससे क्या वेस्ट को कम कर सकते हैं। दूसरा चीज़, इन्वायरमेंट में जो इसके इम्पैक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, उसको भी हम कम कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि कितने डोज में, कितने अमाउंट में हमें, कितने टाइम पे, किस किस टाइम पे हमें इन फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करने हैं, तो इन माध्यम से किसान क्या कर सकते हैं अपने जो भी उनका वेस्ट होता है फर्टिलाइजर्स और जो इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या लिखा हुआ है, वाटर मैनेजमेंट। अगर क्रॉप फिजियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं हम, ताकि हम वाटर मैनेजमेंट के बारे में सही तरीके से हम
कर सके क्रॉप फिजियोलॉजी, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी। प्लेज अ वाइटल रोल इन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। क्रॉप फिजियोलॉजी वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, क्यों करना है, उसको एक बहुत अच्छा तरीका है, अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें हमें पढ़ने का, ठीक है। वाटर को कैसे मैनेज करें क्रॉप फिजियोलॉजी के थ्रू में अच्छे तरीके से पता चलता है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रॉप्स यूटिलाइज वाटर, अगर हम सही तरीके से समझ जाते हैं कि मतलब क्रॉप हमारे कैसे वाटर को यूटिलाइज करते हैं, कैसे वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं और फ्रॉम सॉइल वो प्लांट के पार्ट्स तक, प्लांट के एवरी पार्ट्स में, प्रत्येक उसके पार्ट में कैसे पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, तो फार्मर्स क्या करेंगे, अपना जो भी इरिगेशन प्रैक्टिसेज है सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब भी क्रॉप को पानी की आवश्यकता होती है अलग अलग स्टेजेस में, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। क्रॉप फिजियोलॉजी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड वल्नरेबिलिटीज इन क्रॉप्स मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू प्लांट डिजीज। क्रॉप फिजियोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, हम सही तरीके से डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और वल्नरेबिलिटीज जो भी हमारे फसल में एक तरह से जो हमारे नुकसान होते हैं, कोई चैलेंजेज आते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब उसको आइडेंटिफाई करके उस चैलेंजेज को, उस नुकसान को हम कम कर सकते हैं और मेकिंग देम मोर ससेप्टिबल, और जो भी हम क्रॉप लगाते हैं उनको प्लांट और डिजीज के प्रति और ससेप्टिबल बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ने का हमारा क्या है, पेस्ट डिजीज को हम सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, क्लाइमेट में जो टाइम टाइम पर जो चेंजेज आ रहे हैं उसके प्रति भी क्या, अगर हम क्रॉप फिजियोलॉजी का सही से हम स्टडी करें, मैनेजमेंट करें, तो क्या कर सकते हैं हम क्लाइमेट चेंज में जो हमारे क्लाइमेट चेंज टाइम टाइम पे जो उसमें बदलाव हो रहे हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम मिटिगेट कर सकते हैं, उसको भी हम फाइट कर सकते हैं उससे चेंज, क्लाइमेट चेंज को, और अपने क्रॉप को सही तरीके से हम जैसे कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स को प्लांटिंग टाइम को एडजस्ट करके हम अपने क्रॉप को सही तरीके से लगा सकते हैं और यील्ड ले सकते हैं। वही लिखा हुआ है विद द चेंजिंग क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग क्रॉप फिजियोलॉजी बिकम्स क्रूशियल फॉर अडैप्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है तो क्रॉप फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को सही तरीके से अडेप्ट करने में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को सही तरीके से काम करने के लिए, ठीक है। क्रॉप फिजियोलॉजी का बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स डेवलपिंग क्रॉप्स दैट आर मोर रिसाइलिएंट टू क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, हमें ऐसे क्रॉप्स का डेवलप करना है जो कि क्लाइमेट एक्सट्रीम, जो क्लाइमेट में जो टाइम टाइम पे जो चेंजेज हो रहे हैं उसके, ऐसा क्रॉप, ऐसा वैरायटी डेवलप करना है जो उसके प्रति भी क्या करे, रिसाइलिएंट हो जाए, उसके प्रति भी क्या, उसको उस पर्टिकुलर चैलेंजेज को वो क्या करे, मतलब मिटिगेट कर ले, मिटिगेट बोले तो उस पर्टिकुलर चैलेंजेस को भी अडेप्ट कर ले और उसके प्रति वो क्या, ससेप्टिबल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, प्लांटिंग टाइम्स जो भी हम टाइम लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर टाइम्स के जो उसका जो एक नियम दिया हुआ है इसी टाइम पर हमें क्रॉप लगाने थे, तो उस प्लांटिंग डेट को हमें मेंटेन करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज को हम इम्प्लीमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइमेट में जो चेंज हो रहे हैं उसके प्रति भी हम क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं और हम अपने क्रॉप्स को और रिसाइलेंट बना सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा यील्ड में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और हम अपना अच्छा यील्ड ले सकते हैं अपने क्रॉप का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्रॉप ब्रीडिंग, क्रॉप ब्रीडिंग बोले तो मतलब क्रॉप में अच्छा प्रकार का ब्रीडिंग कराना, मतलब ठीक है, जो ब्रीडिंग बोले तो वराइटल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, अलग अलग वराइटी तैयार करना, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो गया, तो ब्रीडिंग के मेथड, ब्रीडिंग करवा के हम क्या कर सकते हैं, हम वही लिखा हुआ है, बाय सेलेक्टिंग ट्रेड्स दैट पॉजिटिवली इम्पैक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ब्रीडर्स कैन डेवलप न्यू वराइटीज विथ इम्प्रूव यील्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज। वही लिखा हुआ है कि जो ब्रीडर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस टू डिजीज, ऐसा ब्रीड तैयार करें जो डिजीज के प्रति क्या, रेजिस्टेंस हो, कोई भी डिजीज लग रहा है और इन्वायरमेंट में जो स्ट्रेस होते हैं उसके प्रति भी क्या हो, रेजिस्ट कर जाए। तो क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ने का एक ये भी हमारा इम्पोर्टेंस है कि हम प्रॉपर ब्रीडिंग के माध्यम से हम अच्छा वैरायटी डेवलप करें और हम अपने डिजीज जो हो रहे हैं उसके रजिस्ट कर जाए और उस डिजीज का कोई उस बीमारी का कोई इम्पैक्ट उस हमारे क्रॉप पे ना हो। रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, हम रिसोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करें, वही चीज़ लिखा हुआ है। रिसोर्स हमारा क्या क्या है, वाटर, एनर्जी, फर्टिलाइजर्स को हम सही तरीके से यूज करें सो दैट हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी क्या करें, मेंटेन कर सके। अभी क्या लिखा हुआ है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर वही होता है कि राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट चॉइस,
राइट क्वांटिटी में हमें क्या अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम सही तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और अपने क्रॉप्स का मैनेजमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, तो हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे सकते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी के थ्रू। ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्निक्स इनेबलिंग फार्मर्स टू टेलर इनपुट्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच पार्ट ऑफ द फील्ड। अगर हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी किसान को हम बता सकते हैं कि किस फील्ड के किस पार्ट में कौन सा क्वांटिटी कितना डोज में फर्टिलाइजर कितने किस टाइम पे हमें इरिगेशन देने हैं, इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं किसानों को सहायता कर सकते हैं, और सहायता करके क्या कर सकते हैं उनको हम सही क्वांटिटी में किस चीज़ को अप्लाई करना है उसको हम बता सकते हैं। तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर के थ्रू हम क्रॉप फिजियोलॉजी को और इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जब ये हर चीज़ ये पॉइंट्स जब ये जितने भी हमने अभी तक के रिसोर्स यूज एफिशिएंसी बोला, क्रॉप ब्रीडिंग बोला, ठीक है, अगर इन सब चीज़ का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होगा क्रॉप फिजियोलॉजी में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा। जो हम इनपुट लगा रहे हैं अपने क्रॉप को ग्रो होने के लिए, तो एट लास्ट हमें क्या होगा, हमारा फील्ड से यील्ड जो मिलेगा वो हमें यील्ड जब मिलेगा तो हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली किसी भी किसान का इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। वही लिखा हुआ, अल्टीमेटली अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी लीड्स टू इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। वही लिखा हुआ है, अगर हम क्रॉप फिजियोलॉजी का सही तरीके से स्टडी कर रहे हैं, सही तरीके से समझ रहे हैं, तो एट लास्ट उसे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट मिलेगा, मतलब किसान को मिलेगा, सीधी सी बात है। और फार्मर्स कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन एट द रिजल्ट इन हायर यील्ड्स बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट। और फार्मर क्या कर सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं, और जब सही डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, उनका यील्ड हायर होगा, जो लागत मतलब जो उनका आउटपुट आ रहा है वो हायर होगा, क्वालिटी अच्छा प्रोड्यूस होगा, और जिससे क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट जो इनपुट कॉस्ट होगा उसको भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा किसके बारे में पढ़ा, कि इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉप फिजियोलॉजी का एग्रीकल्चर में, हम क्रॉप फिजियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, तो ये जो तीन पॉइंट थे अगर हम आगे देखें तो यही तीन पॉइंट को यहाँ पे क्या है, इसी को एलेबोरेट किया गया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत आसान टॉपिक है, लेक्चर को एक बार दो बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ ही जाएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, डाउट होती है आपको इन टॉपिक्स में, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें, जब भी कोई डाउट हो आप फील फ्री टू आस्क विथ मी बाई एनी मीडियम। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास माय डियर स्टूडेंट्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्लांट सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट सेल क्या होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, अलग अलग इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के क्या रोल होते हैं। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद दिस टॉपिक। टिल देन थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स टाइमली, एंड प्लीज़ पुट एनी काइंड ऑफ डाउट, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू फील फ्री टू आस्क विथ मी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।